नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल अस्पताल में मरीज बिहान, तड़ीपार गुंडे से मिली पिस्तौल, शिवकुमार को सशर्त जमानत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शहर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हृदय के ऑपरेशन नहीं हो रहे, फेफड़े के उपचार के लिए दी गई 1.5 करोड़ की मशीन धूल खा रही है। प्रतिनिधि मंडल ने शहराध्यक्ष भुवनेश्वर पेटे के नेतृत्व में आज इस संदर्भ में मेडिकल के डीन डॉक्टर सुधीर गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने इसमें औषधि खरीदी एवं वितरण में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया कि कोविड को छोड़कर अन्य बीमारी के मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी रोज दोपहर 2 बजे बंद हो रही है, फार्मेसी भी बंद हो जाती है। पार्टी ने फार्मेसी को 24 घंटे आरंभ रखने, निजी प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर कार्रवाई करने, लंबित ऑपरेशन करने, रिक्त पद भरने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में वर्षा शामकुले, महादेव राव फुके, जान बा मस्के, लक्ष्मी सावरकर, शैलेंद्र तिवारी, रिजवान अंसारी, नूतन रेवतकर, रविंद्र इटकेलवार, रमन ठौकर, प्रकाश लिखानकर, शैलेश पांडे, रविनीश पांडे, अशोक काटले, श्रीकांत शिवनकर, धनंजय देशमुख, महेंद्र भांगे, मुन्ना तिवारी, सुखदेव वंजारी, संतोष सिन्हा, शिव भेंडे, स्वप्निल अहिरकर, शरद शाहू, योगेश न्यायपारे, मोहन गुरुपंच आदि शामिल थे। दूसरी खबर, यशोधरा नगर पुलिस ने तड़ीपार गुंडे विशाल बोकड़े को पिस्तौल के साथ पकड़ा है। कुंदन लाल गुप्ता नगर निवासी 24 वर्षीय विशाल के खिलाफ हफ्ता वसूली, लूट सहित कई मामले दर्ज है। उसे 2 साल के लिए जिले से तड़ीपार किया गया है। पुलिस को नामदेव नगर उद्यान के पास वह संदिग्ध अवस्था में नजर आया। तलाशी लेने पर उसके पास पिस्तौल मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई PI संजय जाधव, PSI मधुकर काटोके, जितेंद्र भार्गव, हवलदार दीपक धानोरकर, गजानन गोसावी, संतोष यादव, नीलेश घायवट, अरुण चांद ने तथा प्रफुल चितले ने की है। तीसरी खबर, बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को हरिसाल वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान के आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी गुमामल वन परिक्षेत्र के उप वन संरक्षण विनोद शिवकुमार को सशर्त जमानत मंजूर की। न्यायमूर्ति रोहित देव ने मामले में विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हुए यह फैसला सुनाया। शिवकुमार ने इससे पहले भी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। इस दौरान मामले में उनके खिलाफ प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत में आरोप पत्र दायर हो गया था, जिससे उन्हें अर्जी वापस लेनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने अचलपुर सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की थी। वह अर्जी 20 जून को खारिज कर दी गई थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।